सब्सक्राइब कीजिए टेकमाइंडवर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेकमाइंडवर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि डिजी लॉकर क्या है और डिजी लॉकर मोबाइल ऐप पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिजी लॉकर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर आप अपने जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए डिजी लॉकर मोबाइल ऐप पर अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले डिजी लॉकर ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे डिजी लॉकर। ये देखिए डिजी लॉकर ऐप आ गई है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इंस्टॉल पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। अब एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। मैंने इस ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ऐप इंस्टॉल हो गई है। चलिए अब ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन पर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। क्योंकि हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं इसलिए साइन अप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल देंगे जो वर्किंग में हो। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डालकर वेरीफाई करेंगे। तो मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है। चलिए मैं OTP यहाँ पर डाल देता हूँ और अब वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। चलिए मैं यूज़र नेम टाइप कर लेता हूँ। ये देखिए यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए कंडीशन दी गई है। यूज़र नेम 3 से 50 करेक्टर का स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल करेक्टर में रख सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम स्पेशल करेक्टर से शुरू नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं यूज़र नेम टाइप कर लेता हूँ। अब पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी कंडीशन दी गई है। पासवर्ड 8 से 30 करेक्टर का रख सकते हैं। पासवर्ड कम से कम एक लेटर, एक नंबर और स्पेशल करेक्टर में रख सकते हैं। चलिए मैं पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। कन्फर्म में भी सेम पासवर्ड डाल देंगे। अब साइन अप पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब बेस्ट रिजल्ट के लिए डिजी लॉकर को अपने आधार से लिंक कर लेंगे। यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं, यू हैव नॉट येट लिंक्ड योर आधार विद डिजी लॉकर, फॉर बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम डिजी लॉकर लिंक योर आधार नाउ। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। अब इस चेकबॉक्स में टिक कर देते हैं और अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ पर डाल देंगे। मेरे मोबाइल पर OTP आ गया है। चलिए मैं OTP टाइप कर देता हूँ और अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। हमारा आधार कार्ड लिंक हो गया है। अभी इश्यूड डॉक्यूमेंट भी 0 है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी 0 है। चलिए यहाँ इश्यूड पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आधार और LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर दो इशूड डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए आधार पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा आधार डेटा डिजी लॉकर पर आ गया है। यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सर्च पर क्लिक करके और भी गवर्नमेंट द्वारा इशूड डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स आदि को डिजी लॉकर के साथ फैच कर सकते हैं। यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को डिजी लॉकर के साथ फैच कर सकते हैं। यहाँ से पैन कार्ड को डिजी लॉकर के साथ फैच कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। अब यहाँ अपलोड्स पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये अपलोड का साइन है, इस पर क्लिक करके आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को भी डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। अब फाइल पर क्लिक कर लेंगे। ये मेरे फ़ोन का ब्राउज़र ओपन हो गया है।
चलिए एक ये वाली पीडीएफ फाइल और एक ये पीएनजी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोनों फाइल अपलोड हो गई हैं। यहाँ से आप नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और इस फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर इन थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे तो मेनू ओपन हो जाएगा। चलिए डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए अब इशू डॉक्यूमेंट दो दिखा रहा है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी दो दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके इशू डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके अपलोड डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके प्रोफाइल देख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।